हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ एक प्रॉमिस किया था कि एक राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑन हारमोनिका, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं एक सीरीज बनाऊंगा। तो उसी सीरीज के तहत आज ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें जो राग मैं लेने जा रहा हूँ वो एक फेमस राग, राग भोपाली है। तो इस राग का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इसके बारे में बातें आज इस वीडियो में मैं करूंगा और फिर हम देखेंगे कि कौन से सॉन्ग्स जो हैं इस राग पे आधारित हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनको हारमोनिका के ऊपर हमने कैसे प्ले करना है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि राग भोपाली जो है अगर हमने देखना हो या सीखना हो तो बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनमें उस राग के बारे में बहुत ही गहन जानकारियां दी गई हैं। तो मेरा ये वीडियो उन वीडियोस से डिफरेंट कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये है कि जैसे अगर मैं हारमोनियम की बात करूं तो हारमोनियम पे क्या होता है कि मान लीजिए आप ये जो फर्स्ट ब्लैक है या सी शार्प नोट है, यहां से मैंने सारे गामा बजाना सीख लिया। और उसके बाद अब किसी भी राग की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे शिवरंजनी राग की अगर मैं बात करूं उसमें गा कोमल आ जाता है, तो जस्ट इसी स्केल पे बजाते हुए मैं गा को, शुद्ध गा को कोमल कर दूंगा एक स्वर नीचे आके। और उसी प्रकार से अगर यमन कल्याण राग का कोई गाना है या वो राग मुझे बजाना है तो सारे गा मां जो नॉर्मल है उसकी बजाय मैं मां तीव्र कर दूंगा, तो उसी स्केल से मैं सारे राग बजा सकता हूं। अब यही चीज लागू होती है हारमोनिका के ऊपर भी, बट उस केस में जैसा कि बहुत हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे कि एक ही नोट को सा फिक्स करके, जैसे सी स्केल हारमोनिका को सा फिक्स करके अगर हम सभी राग बजाना शुरू कर दें तो उस केस में दिक्कत ये आएगी कि स्लाइडर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस वजह से हमें जो ये राग की जानकारी है तो हारमोनिका के हिसाब से होना जरूरी है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि एक दो बातें मुझे आपके साथ डिस्कस जरूर कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक मुझे मेल भी आई थी और मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हम लोग हारमोनिका बजा लेते हैं, गाने निकाल लेते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हम रागों का ज्ञान लें? तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेरा आंसर है वो यही है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप रागों का ज्ञान लें। बट अब आप देखिए कि हारमोनिका के हिसाब से जो मैं क्वेश्चंस मेजॉरिटी में फेस करता हूं वो क्वेश्चन क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन कि किसी गाने का स्केल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आपके माइंड में होता है क्वेश्चन बहुत से लोगों के। उसके बाद कि स्केल के बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन ये है कि टंगिंग जब हम करते हैं तो किस गाने पे हमें टंगिंग करनी चाहिए, किस गाने पे हमें टंगिंग नहीं करनी चाहिए। तीसरा एक और बहुत ही मतलब क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं तो वो क्वेश्चन ये है कि कोई भी गाना है उसको हम हारमोनिका में कहां से स्टार्ट करें, ऑप्टिमम स्वर कौन सा है जहां से हम स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये तीन चार क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो फिर रागों को सीखना थोड़ा बहुत आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनका जो जवाब है कहीं ना कहीं वो इसी में छिपा है कि आपको थोड़ी बहुत रागों की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि राग आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, या जैसे म्यूजिक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको रागों का संपूर्ण ज्ञान होता है, वो चीज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि वो मुझे खुद को भी नहीं है। बट सरफेस नॉलेज जो है रागों की वो आपको जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने अल्फाबेट्स सीख लिए ए बी सी डी, उसके बाद आपने वर्ड्स भी सीख लिए, वर्ड्स बनाना, और वर्ड्स के बाद आपने सेंटेंसेस भी सीख लिए, और अब अगर आप कहें कि हमें जो पोएम्स हैं या पोएट्री है बड़े बड़े लोगों की वो हमें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए फिर वही चीज है कि आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, उन चीजों का ज्ञान लेना पड़ेगा। हालांकि आपको अल्फाबेट्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस की जानकारी है, बट उससे एक लेवल आगे जो पोएट्री है उसकी जो फीलिंग्स हैं तो वो चीज समझने के लिए आपको बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसी प्रकार आपको स्वरों की नॉलेज हो गई, सारेगामा आ गया,
उनको आपको वर्ड्स की तरह ढालना, मतलब सभी स्वरों को लिपिबद्ध करके बजाना आ गया, गाने बजाने आ गए। बट अगर आप आगे की बात करेंगे कि स्केल हम कैसे पता करें, टंगिंग करनी है या नहीं करनी, या कहाँ पे करनी है, और गाने को हारमोनिका पे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये चीजों के लिए फिर थोड़ा सा आपको एडवांस्ड चीजें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। और दूसरी एक और चीज फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, कोई वीडियो जो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन वाला होता है, तो उसमें मैं कभी भी अपने प्लेइंग स्किल्स हैं जो, उनको डेमोन्स्ट्रेट कभी नहीं करता। तो उसमें लाजमी है कि क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कोई चीज बजाते हुए, कोई दूसरी चीज मेरे माइंड में आ गई तो स्पॉन्टेनियसली मैंने उसको बजा दिया, तो हो सकता है उसमें गलतियां हों। इसी प्रकार से जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था मेडले का, तो जो गाने मेरे दिमाग में आते गए उनको मैं बजाता गया। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये गाने जो हैं तालबद्ध नहीं होंगे, तो वो एक सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, जहां पे मैंने किसी जगह पे स्ट्रेस देना है तो वहां पे मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ स्पीड, ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक ही गाने में स्पीड कहीं पे तेज हो गई कहीं पे स्लो हो गई। तो ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है, उसमें मेरा कोई प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आप क्रिकेट सीखने गए और आपको कोच ने पहली क्लास में फॉरवर्ड डिफेंस सिखाया, और उसने आपको बैट जो है धीरे 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 ले जा के रखा कि यहाँ पे पोजीशन पे आएगा, और आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर बॉल जो है वो 150 की स्पीड पे आएगी, तो क्या हम ऐसे धीरे 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 लेके जाए बैट को? उस समय आप सोचिए कि जो कोच है वो दो ही चीजें करेगा, या तो अपना माथा पीटेगा या बैट के साथ आपको पीट देगा, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, तो वो किसी ताल में या किसी बंदिश में नहीं होगा। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको समझ में आ जाए। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं, वो जो भी मैं अपने गाने बजाने के वीडियो बनाता हूं तो उसमें शो करता हूं। तो प्लीज इस चीज को आप बियर कीजिए कि अगर बजाते समय कोई गलती हो गई, तो डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कोई चीज अचानक से माइंड में आ गई, उसी समय मैंने बजा दी, तो ऑब्वियस है उसमें कोई ना कोई गलती होगी। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं इस तरह के वीडियो में नहीं शो करता। तो अभी ये कुछ एक बातें थी, मुझे पता है लंबी चौड़ी बातें होगी, अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं। राग भोपाली, तो राग भोपाली जो है ये एक पेंटाटोनिक स्केल है, मतलब इस राग में 5 स्वर लगते हैं, सा रे गा पा धा, और उसी प्रकार जब हम अवरोह में आते हैं तो वही 5 स्वर जो हैं उनको हम लेके वापस आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको पेंटाटोनिक, क्योंकि 5 स्वर लगते हैं। इंडियन क्लासिकल में इस चीज को हम बोलते हैं ऑर्डर। तो राग की जातियां होती हैं ऑर्डर, शॉर्डव और संपूर्ण। ऑर्डर जिसमें 5 स्वर हों, शॉर्डव जिसमें 6 स्वर हों, और संपूर्ण जिसमें 7 स्वर हों। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। तो क्योंकि इसकी आरोह और अवरोह दोनों में हम 5-5 स्वर लेते हैं, तो इसकी जाति जो है वो ऑडव ऑडव बन जाती है, और ये एक कल्याण थाट का राग है। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन हो सकती हैं, क्योंकि सा रे गा पा धा ये 5 शुद्ध स्वर हैं, और अगर हम बिलावल थाट की बात करें उसमें भी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, कल्याण में मां तीव्र लगता है, तो क्योंकि इस गाने में इस राग में मां नहीं लग रहा सा रे गा पा धा, तो टेक्निकली आप बोलेंगे कि ये तो फिर बिलावल थाट में भी आ सकता है और कल्याण थाट दोनों में आ सकता है। बिल्कुल ठीक, ये जो थी क्वेरी जो थी मेरे भी मन में आई थी ये क्वेश्चन, बट हम इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो बस ये हमें पता होना चाहिए कि ये कल्याण थाट का राग है। अब जो बुद्धिजीवी विद्वान लोग हैं उन्होंने रिसर्च करके किसी वजह से इसको कल्याण थाट में रखा होगा, वो वजह हमारे लिए जानना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ऑडव ऑडव जाति हो गई इसकी, पेंटाटोनिक राग हो गया, और कल्याण थाट का राग है। इसको गाने का समय जो है वो रात्रि का पहला पहर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी राग होते हैं उनकी बहुत सारे नियम होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। हालांकि अगर हम गानों की बात करें तो वही राग बेस्ड सॉन्ग्स जो हैं हम बजाते हैं, वो दिन में भी सुनेंगे, रात में भी सुनेंगे, सुबह भी सुनेंगे, क्योंकि उसमें हम राग को पूरा फॉलो नहीं करते, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन कर लेते हैं, इसीलिए वो क्लासिकल सॉन्ग्स नहीं होते, वो लाइट म्यूजिक होता है, बट किसी राग के ऊपर आधारित होता है। अब अगली बात,
जो मैंने स्टार्टिंग में हारमोनिका पे कुछ ट्यून बजाई थी, तो वहां से आपको इस राग की झलक मिल गई होगी। एक बार बजा के दिखाता हूं। तो ये इस राग की झलक है। और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड के जो इस राग में कंपोज किए गए हैं। दो तीन सॉन्ग्स जो मेरे माइंड में अभी हैं वो मैं आपको बजा के दिखा देता हूं। एक एक लाइन, आधी आधी लाइन, अगर कोई गलती हो जाए उसमें बजाते समय तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। ये पहला गाना था। नेक्स्ट, आपने देखा इन सभी गानों में जो चलन है, जो मूड है, ये है। और हो सकता है कि इन गानों में इन स्वरों के अलावा कोई नोट, इनके अलावा कोई और नोट भी कंपोजर्स जो है उन्होंने टच कर दिया हो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम प्योर क्लासिकल संगीत जो है वो पेश नहीं कर रहे, ये लाइट म्यूजिक है। तो लाइट में ये लिबर्टी रहती है कि हम एक आध नोट इधर उधर से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही राग भोपाली की। अब इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक बहुत ही फेमस राग है राग पहाड़ी, तो उसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। रीजन ये है क्योंकि वो भोपाली के साथ मिलता जुलता राग है, और पहाड़ी राग में भी बहुत सारे गानों की कंपोजिशंस जो हैं वो की गई हैं। तो पहाड़ी जो है उसकी आरोह में वही सारे गा पा धा होगा, बट उसकी अवरोह में फिर हम सभी स्वर जो हैं वो लगाते चले आएंगे। तो सुनने में थोड़ा थोड़ा कहीं आपको वो भोपाली के साथ मिलता जुलता लगेगा, बट जो पहाड़ी राग है वो एक प्योर क्लासिकल राग नहीं माना जाता, वो एक मिश्र राग है। मिश्र का मतलब ये है कि उसमें हमारे पास लिबर्टी है कि हम जो उसके मेन नोट्स हैं, मेन स्वर हैं, उनके साथ हम बाकी सभी स्वर जो हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसके साथ हम बजा सकते हैं, कण स्वर बजा सकते हैं, टच नोट्स बजा सकते हैं। तो उस प्रकार से फिर ये जो राग है, क्योंकि किसी बंदिश के अधीन नहीं है, क्योंकि इसके कोई सर्टेन रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। तो जैसे हमारा भोपाली राग है, ये गंभीर प्रवृत्ति का एक राग माना जाता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली आपको उन्हीं स्वरों के ऊपर खेलना पड़ता है, बजाना पड़ता है, कुछ बंदिशों में रह के। तो पहाड़ी में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आप कहीं पहाड़ पे अगर जाते हैं, अगर वहां पे कोई बांसुरी बजाता हुआ आपको मिल जाता है तो कितना हमें अच्छा लगता है। वो पहाड़ी राग बेसिकली बांसुरी पे बजाते हैं, और वो इसीलिए सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि वो सभी जो स्वर हैं, कण स्वर जो हैं, उनको अपने हिसाब से वो बजाते हैं, तो वो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और वो प्योर क्लासिकल धुन नहीं होती, हालांकि बिल्कुल लाइट म्यूजिक होता है, जैसा मेरे मन में आ रहा है वैसे मैं उसको बजा रहा हूँ, जो भी नोट अच्छा लग रहा है लोगों को सुनने में तो उसको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपनी कंपोजिशन में। तो राग पहाड़ी, राग भोपाली, तो ये राग जो थे, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ी सी टेक्निकल बातें की, कोशिश मैंने यही की कि बहुत ज़्यादा मैं गहराई में ना जाऊँ, सो दैट आप लोगों को आइडिया ही लग सके। जितनी आप लोगों को नॉलेज चाहिए तो वो मैंने आपको देने की कोशिश की। और ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिए कि ज्ञान जो है वो जरूर लीजिए, वो आपको हेल्प जरूर करेगा। अगर आप रागों को थोड़ा बहुत अप्लाई करना सीखेंगे तो आपकी बहुत सी क्वेरीज जो है वो खुद ब खुद क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये सिंपल सा एक राग से स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे मौका और समय लगता रहेगा और भी राग जो हैं
वो आपके समक्ष पेश करता रहूंगा। तो जल्दी ही मिलेंगे इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय फॉर।